कहाँ अलाउ नहीं है बुरका? ये मतलब है बुरका अलाउ नहीं है बंटवाल, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है मुझे आप बता दीजिए कि बुरका अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसकी तो कौन सी गाइडलाइन है मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुरका अलाउ नहीं है मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। इसलिए बंद कर देते हैं कि कोई किसी भी बैंक में बाहर गई तभी लॉक हुआ है ये। आपका मतलब नहीं था, आपका ये था कि आपका काम हो गया आप चले गए। मेरा काम नहीं हुआ था, उन्होंने बोला कि आप वेट करें, उन्होंने बोला आप वेट करें। क्यों कई बार बैठे थे? मैं मेरे साथ में बुलाने गई थी किसी को, मैं किसी भी काम से जाऊँ तो आप बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे आप। हमें पता नहीं आप किस काम से गई थी, आप बैठे थे, हमने लंच में, पहली बात लंच में बैंक लॉक नहीं होता है इतना तो मुझे भी पता है, इसलिए लॉक होता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हमारे देश का ऐसा हाल हो गया है कि हुकूमत की तरफ से लोगों के दिलों में ऐसी नफरत भरी हुई है कि अगर कोई कुर्ता पजामा पहनकर नमाज पढ़ने जा रहा है तो उसको मारा और पीटा जा रहा है। और हमारे खुद के पैसे जो हम बैंक में रखते हैं, जब हम अपने पैसे निकालने के लिए जाते हैं तो बैंक वाले सिर्फ इसलिए देर कर रहे हैं क्योंकि पैसे लेने वाले मुसलमान हैं। एक हमारी बुरखा पहनने वाली बहन के साथ ऐसा ही हुआ। बैंक्स के अंदर लंच का टाइम हटा दिया गया है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक कंटिन्यू काम करना होता है। पहले बैंक्स की टाइमिंग 9 बजे से लेकर 5 बजे तक की हुआ करती थी, बीच में लंच टाइम हुआ करता था, लेकिन अब लंच टाइम हटाकर 9 से 3 बजे तक काम करना रहता है, फिर भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं। हमारी एक मुसलमान बहन बुरखा पहनकर जब अपने पैसे बैंक से निकालने के लिए जा रही थी तो डोर बंद कर दिया गया और अंदर जाने से रोक दिया गया। कहाँ अलाउ नहीं है बुरखा? ये मतलब है बुरखा अलाउ नहीं है बंटवाल, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है मुझे आप बता दीजिए कि बुरखा अलाउ नहीं है। हमारे को जो गाइडलाइन मिलती है उसकी खासियत तो कौन सी गाइडलाइन है मुझे आप गाइडलाइन दिखा दीजिए ना, कौन सी गाइडलाइन है कि कहाँ बुरखा अलाउ नहीं है मुझे ये बता दीजिए आप एक बार। लंच में कौन सा लॉक लगता है? लंच में अच्छा लंच के अंदर बुरखे में अलाउ नहीं है? नहीं, किसी को अलाउ नहीं है, मैं ये नहीं कर रही था। अंदर बैठे थे, मैंने देखा था, मुझे बाहर जाते ही लॉक हुआ है। आप बैठे थे ना? हाँ। तो खाना खा रहे थे जी? तो खाना खा रहे थे आप बैठे थे, आपको मना किया था? फिर मैं बाहर जाते ही लॉक कैसे हुआ? नहीं ना, लॉक नहीं है, लॉन्च इसलिए कर रहे थे हम खाना खाने बैठे थे। लॉक मैं बाहर गई तब हुआ है। लॉक से मतलब नहीं है, अंदर भी बैठे थे लोग। बैठे थे ना? हाँ। तो उससे मतलब मैं बाहर गई तब लॉक? आपसे बाहर जाने का मतलब नहीं है, मेरे को बाहर जाते ही लॉक हुआ है। नहीं, नहीं, ऐसे कौन से बैंक में लंच के अंदर लॉक नहीं होता? बैंक कौन से बैंक में होता है ऐसा लॉक अंदर से? जो कस्टमर आता है आगे बैठता है वहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठता है, वहाँ बैठता है मैडम जब खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद अगर मान लो चलो आप ठीक है, कोई भी अनवांछित कस्टमर आ गया है, कोई आ गया, किसी भी तरह का कोई आ गया, हम खाना खा रहे हैं, कोई भी कुछ लूट बाट चले जाए, कौन जी मैडम? अच्छा, ऐसा तो कोई भी नहीं है। फिर अगले आधे कस्टमर अंदर बैठेंगे और आधे बाहर रहेंगे। देखो मैडम, एक तो ये कस्टमर ये बंद करो, आप ये अलाउ नहीं है। नहीं मैं बंद नहीं करूंगी, उनको लगाओ तो आपका काम हो गया, आप बाहर जा रहे हो इसलिए उनको लगा गार्ड सर को 2:30 के बाद अब वो अपने आप ओपन कर देते, इसलिए लोग अपने ऊपर मत लो कि मेरे को जाने के बाद ही बंद हुआ है। वो इसलिए हुआ कि आप मतलब आप जा रहे हो इसलिए मैं लॉक कर देता हूँ। तो और भी अंदर और भी कस्टमर बैठे थे, फिर उनको नहीं पता कि निकाल जाएंगे गेट बंद। अरे तो वो अपना काम करवा के जाएंगे ना, तो उससे पहले तो लॉक खुला हुआ ही था, मेरे को जाते कैसे बंद हो गया? तो अपने ऊपर क्यों ले रहे हो कि आपको? उससे पहले भी लंच चल रहा था मैडम, मैं बता रही हूं, वो पहले से बैठे थे कस्टमर, मैं भी आई थी। हाँ, आपने कुछ भी बोला लॉक नहीं था, मेरे को जाते ही लॉक हो गया गेट। अरे वो मेरे से पहले चले गए थे अंदर, इसलिए नहीं किया था उस टाइम, इसलिए खुला हुआ था क्योंकि सर बाहर गए थे अपने ऊपर। ऐसे मतलब कस्टमर और बुरखा क्यों नहीं अलावा बैंक के अंदर? ऐसे नहीं अलावा होता है, बस ऐसे मना नहीं करते कि आगे बैंक से नहीं देते। बैंक में आपको दिखाने को तो कहेंगे ना, वो माल है वो आपको एंट्री नहीं मिल। पहले मेरी बात सुनो जी, बोलिए। सपोज अगर आप समय कैश विड्रॉल के लिए किसी काम के लिए आ रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ कि उनकी गलती है, वो जेंट्स नहीं बोल सकते जी। लेकिन अगर आपको मेरे को आपको वेरीफाई करना है इन पर्सन कि आप हो या नहीं हो, तो मैं आपको बोल सकती हूँ। आप मुझे वहाँ अंदर काउंटर पे आने के बाद बोल सकती है, आप मुझे गेट पे हाँ, वो मैं आया, आया, उतार के आया आप अंदर, वो मैं बोलती हूँ कि उनकी गलती है, इसके लिए मैं सॉरी गलती हूँ, सॉरी बोले कैसे बोला? उन्होंने क्या बोला कि गाइडलाइन में नहीं है अंदर बुरखा पहनने? तो मैं उनकी तरफ से आपको सॉरी बोल रही हूँ, बस भाई गलती होगी कि वो जेंट्स होके उन्होंने बोल दिया, बट अगर जेंट्स होने की बात नहीं है, बात उन्होंने बोला कि आप इन पर्सन अगर आपको मुझे वेरीफाई करना तो मैं आपको बोलूंगी, आप मुझे वेरीफाई करते हैं, काउंटर पे आगे बोलते हैं कि हमें आपको वो बोल रहे हैं, वो गलती होगी, मैं वहाँ दिखाती हूँ आपको, लेकिन आप आगे मैं सॉरी बोल रही हूँ, अब इस चीज को इतना वो मत कीजिए आप।